नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दोपहर की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से राजधानी दिल्ली में हुई शुरू। आगामी दिनों में देश में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर विशेष रूप से इस बैठक में होगी चर्चा। नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए विमान हादसे में विमान में सवार 68 यात्रियों समेत 4 क्रू मेंबर्स की मौत। भारत ने पोखरा में हुए यति एयरलाइंस के विमान हादसे पर जताया दुख। दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। दिल्ली पुलिस ने पीएम के रोड शो के मद्देनजर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठनों अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के अन्य कई बड़े शहरों में हमले की रच रही है साजिश। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में जारी किया है अलर्ट। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान अब भी जारी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, कहा कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि चाहती है सरकार। असम में तीर्थयात्रियों को ले जा रही वाहन की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 14 के घायल होने की खबर। आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बसपा ने कसी कमर। पार्टी ने ऐलान किया कि वो सभी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेगी। भारत के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस वैन की चपेट में आई 6 साल की बच्ची की मौत। हादसे के बाद फरार हुए 3 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बरेली में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 तमंचे, कारतूस और लाठी बरामद की है। बिहार के गोपालगंज जिले में मिली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति, लोगों ने लगाए भगवान विष्णु के जयकारे। फिर जेल से बाहर आने की कोशिश में लगा राम रहीम, हरियाणा सरकार से मांगी पैरोल। झारखंड में नक्सलियों की तलाश के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को पीटा, आक्रोशित लोगों ने पुलिस को गांव में घुसने से रोका। आज सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में हरे निशान पर खुला बाजार, निफ्टी 18,000 के पास, खुश हुए लोग। गोल्डन ग्लोब के बाद RRR का एक और धमाका, बनी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो ये थी दोपहर की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।